तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपके सामने जो टॉपिक बताने वाला हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है और इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि पूरा मोबाइल फ़ोन डैमेज है, टूटा फूटा मोबाइल फ़ोन है, रेडमी का 6 मोबाइल फ़ोन है। अगर देखेंगे पूरा मोबाइल फ़ोन डैमेज है, पूरा फ़ोन टूटा हुआ है। और इस फ़ोन का प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड भी इसका कई हिस्सों में टूटा हुआ है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कई सारे हो रखे हैं। ये देखो, ये बोर्ड का टुकड़ा है, ये टूटा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो MMC IC लगी होती है, उस MMC IC से डाटा को कैसे रिकवर करते हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो में आपको एक साथ पूरा समझाएंगे कैसे डाटा को रिकवर किया जाता है। इस वीडियो में आपको डाटा रिकवरी के साथ साथ और भी मैं आपको 10 चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से MMC IC को उतारते हैं, कैसे MMC IC को प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व किया जाता है, रिवॉल्व करने के बाद किस तरीके से लगाया जाता है, कितना मशीन रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, इसको रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या टूल की आवश्यकता पड़ती है, जो मिनिमम कम से कम है। वैसे तो हमारे पास और भी हायर टूल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास मिनिमम कम से कम कितने सारे टूल होने चाहिए जो हमारे रिपेयरिंग में काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में देखते हैं कि जैसे ये मेरे पास देखेंगे ये MMC IC लगी है। MMC IC की पहचान क्या होती है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस CPU के पास में लंबी सी लगी होती है। अब आपके सेट में MMC लगी है कि UFS लगा है, इसको पता करने के लिए आपको GSM Arena में जाना पड़ेगा। GSM Arena एप्लीकेशन एक डाउनलोड करके उसमें जैसे आप Redmi 6 करके डालेंगे तो वो नीचे बता देगा, स्टोरेज में जाएंगे तो बता देगा कि इसमें MMC लगा है कि UFS लगा है। अगर MMC लगा है तो UFI के अडेप्टर से आप रिपेयर करेंगे, अगर MMC नहीं लगा हुआ है तो फिर आप UFS लगा हुआ है तो आप इसमें UFS के अडेप्टर को यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इसको निकालते कैसे हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहली बात है, हमको बोर्ड को इस स्टैंड में से हमने फंसा लिया, इससे क्या होगा निकालते समय हमारा मोबाइल फ़ोन हिलेगा नहीं। अब आपको निकालने के लिए क्या करना है, पेस्ट का इस्तेमाल करना है। पेस्ट लिया, IC के ऊपर ऐसे आपको पेस्ट लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस IC को उतार के बाहर रखना है। हॉटगन लिया, हॉटगन का जो टेम्परेचर होता है 350 से 400 के बीच में आपको टेम्परेचर रखना है, 5 से 6 के बीच में एयर रखना है। 380-400 टेम्परेचर पे हम लोग क्या काम करते हैं, IC को उतार देते हैं। मशीन को आप जब भी चलाएंगे तो हमेशा सीधा चलाएंगे, 90 एंगल पे चलाएंगे, कभी मशीन को तिरछा करके नहीं चलाएंगे। चिमटी लेंगे, बहुत अच्छी वाली चिमटी का यूज़ करेंगे, इस तरीके से ऊपर से इसको हीट करेंगे। IC को कभी भी खींचना नहीं है, बस आपको क्या करना है धीरे से स्ट्रेच करके निकालना है। पहले IC को उतारने से पहले IC को हल्का सा हिला लेना है, हिलाना इसलिए ताकि वो अपनी पिनों को ढीला हो जाए। इसके अंदर देखेंगे साइनस कंपनी की MMC लगी है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, पेशेंस रखना है आपको, आराम से उतारना है। जितने भी सारे जो न्यू लोग होते हैं वो उतारने के लिए खींच देते हैं तो इसकी बॉल्स वगैरह हैं वो चली जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस तरीके से MMC को उतार के बाहर रख देंगे। ये देखिए आपकी MMC बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उतार के बाहर आ गई है।
ये हमारी एमएमसी निकल करके बोर्ड से बाहर आ गई है, इसको हमने एमएमसी को बाहर को बोर्ड से बाहर से निकाल लिया है। अब इसको उतारने के बाद हमको क्या करना है, इसको साफ़ करके क्या करना है, रिबॉल करना है। किस तरीके से साफ़ करेंगे अब हम आपको वो बताते हैं कैसे एमएमसी आईसी को साफ़ करना है। एमएमसी आईसी को साफ़ करने के लिए सबसे पहली बात आपको उसको पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, सोल्डिंग आयरन का यूज़ करना है। ये माइक्रो वाली सोल्डिंग आयरन है, इसका इस्तेमाल करना है। रेती दीजिए ज़रा, इसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन होता है तो उसे क्या कर लेंगे आप, स्क्रैच कर लेंगे, साफ़ कर देंगे। देखो अब इसको साफ़ करने के बाद आप एमएमसी की जितनी भी सारी पिनें हैं, सारी पिनों को आपको क्या करना है, ऐसे साफ़ कर लेना है। यहाँ पर जब भी आप आयरन टच करेंगे तो आयरन को बहुत हल्के आँच से करेंगे, इसमें कोई प्रेशर नहीं देंगे। देखो अब आपको क्या करना है, इसकी जितनी भी सारी पिनें होती हैं, सारी पिनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से इसमें हल्का सा पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पर पीपीटी का इस्तेमाल करना है, हल्का सा पीपीटी लगा देना है। पीपीटी लगाने से क्या होता है, बॉले में चमक आ जाएगी, बॉले प्रॉपर तरीके से वो बन जाएंगी। दोबारा से पीपीटी लगाने से ये आपको एक बेनिफिट मिलता है कि ऐसे अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस आईसी को ब्रश से साफ़ करना है, पेट्रोल से क्लीनर से साफ़ करेंगे पूरे आईसी को। यह हमारी आईसी बिल्कुल साफ़ हो गई, क्लीन हो गई। अगर आप देखेंगे ये हमारी आईसी साफ़ हो गई है। साफ़ होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये एमएमसी आईसी इसको क्या कर लेना है, साफ़ कर लेना है। कैसे साफ़ करेंगे, हल्का सा जैसे ही आप इसमें एक बूंद पैसे क्लीनर डालेंगे सारी पिन को साफ़ कर लेंगे। सारी पिन साफ़ करने के बाद ये एमएमसी आपकी साफ़ हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको स्टेंसिल में सेट करना है। क्या करेंगे, स्टेंसिल में सेट करेंगे। ये हमारी इस तरीके से स्टेंसिल आती है, यूनिवर्सल स्टेंसिल है। इस तरीके से यूनिवर्सल स्टेंसिल को आप लोग परचेस कर सकते हैं। ये 200 250 300 रुपए की स्टेंसिल आती है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसी को उतार के लगाना बहुत आसान है, बस इसका तरीका और प्रैक्टिकल आपको अच्छे से होना चाहिए। आप आसानी से किसी भी आईसी को उतार सकते हैं, उतार के लगा सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। स्टेंसिल एक लोहे की जाली का सांचा होता है, जो जितने भी सारी आईसी होती हैं उनको आईसीओ के बॉल को मैच करा करके
लगाते हैं। आइस स्टेंसिल को हम सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं, जाली में इसे सेट कर लेना है। जाली में सेट करने के बाद फिर आपको डॉक्टर टेप से इसको ऐसे चिपका लेना है। इससे क्या होगा, आपका आईसी हिलेगा नहीं, प्रॉपर बैठ जाएगा। ऐसे आपने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसमें रखा, अब आपको क्या करना है, इसमें पीपीडी लगाना है। पीपीडी भर देना, जितनी भी सारी पिन हैं सारी पिनों में पीपीडी भर देना है। पीपीडी भरने से क्या होगा कि जब हम हीट करेंगे तो वो सारी बॉलें हमारी बन जाएंगी। ये पीपीडी इस तरीके से आता है, ये पीपीडी पेस्ट होता है। पीपीडी पेस्ट को पहले आप थोड़ा सा ले लेंगे, लेने के बाद इस पीपीडी पेस्ट को ड्राई करेंगे। ये एक्चुअली जो पेस्ट आता है थोड़ा सा गीला होता है, ढीला होता है, तो लगाने में दिक्कत करता है, फैल जाता है। इसको हल्का सा ड्राई कर लेंगे पीपीडी पेस्ट को। ड्राई करने के बाद अब आप ब्लेड्स के माध्यम से आप इसको ले लेंगे। अब आप इसकी पिनों में ऐसे पेस्ट को भर देंगे। ये मैं आपको यूनिवर्सल स्टेंसिल से बना करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से, किस तरीके से हम बहुत आसान तरीक़ों से आईसी को बना सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरा सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगी। ये पीपीडी पेस्ट को आप अच्छे से पूरे आईसी के अंदर, पूरे आईसी के जितनी भी सारी पिनें हैं सारी बॉलों में क्या करेंगे, अच्छे से फिल कर लेंगे। एक भी बॉल आपकी ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी पिन पे पीपीडी ना लगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। साफ़ करने के बाद इसको बाहर कर लेंगे, फिर कपड़े या टिश्यू पेपर के माध्यम से पीपीडी को साफ़ करेंगे ताकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पीपीडी ना रहे, ताकि बॉल बनते समय आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, कोई बॉल बड़ी छोटी ना बने। अगर पीपीडी कहीं कम ज़्यादा लग जाएगा तो बॉल बड़ी छोटी बन जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम परेशानी आएगी। अब आपको क्या करना है, इस ट्वीजर के माध्यम से इसको क्या कर लेना है, ऐसे प्रेस कर लेना है। दबाव ज़्यादा नहीं देना, बिल्कुल हल्के नॉर्मल तरीके से दबाव देना ताकि स्टेंसिल दबी रहे और हीट पड़ती रहे। हॉट गन मशीन लेना है, हॉट गन मशीन का जो टेम्परेचर होता है वही 350 से 380 तक अप्रॉक्स में रखना है। 4 से 5 के बीच में एयर रखना है। उसके बाद मशीन को चालू करना है, इसके अंदर से गर्म हवा निकलेगी, इसी गर्म हवा से हमारी जितनी सारी पिनें हैं वो सारी पिनें बॉल में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, चिमटी को ऐसे रख लेना है। देखिए पहले हल्का सा ऐसे ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर आपको एक तरफ से धीरे धीरे करके सारी बॉलों को बनाना है। ऐसे जितनी भी सारी पीने हैं सारी एक एक करके वन बाई स्टेप बाई स्टेप सारी पीने हमारी रिबॉल हो जाएंगी। रिबॉल करने के बाद 1 मिनट का वेट करना है। वेट करने के बाद इसको पेट्रोल से साफ करना है। साफ करने के बाद फिर ये आईसी आपके सामने आ गई। अब आपको इसको भी इसमें पेट्रोल डालना है। पेट्रोल डालने के बाद जितनी भी सारी पिन्स हैं सारी पिन को क्या करना है, अच्छे से साफ करना है। ऐसे ये देखिए हम
हमारी आईसी देखिए प्रॉपर तरीके से रिबॉल हो चुकी है, एक एक करके जितनी भी सारी पिने बन चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसकी सारी पिने बॉल बन चुकी हैं, सारी एक एक करके पिने रिवॉल्व हो चुकी हैं। अब रिवॉल्व होने के बाद हमको क्या करना है, इसको U5 बॉक्स में लगाना है। ये जो साइड की जितनी सारी पिने होती हैं, ये सारी पिने एक्स्ट्रा होती है, ये कोई काम की नहीं होती। हम इनको क्या करेंगे, साफ़ कर लेंगे। देखिए सारी पिन को साफ कर लेंगे। सारी पिन को साफ करने के बाद फिर ये जो आईसी होती है इसको U5 पे लगाना है। सबसे पहले बात हमको देखना है कि हमारा U5 का रीडर कौन सा है, कौन सा रीडर को हम लोग यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें इसका डिज़ाइन इसमें मैच नहीं कर रहा है। इस अडेप्टर को खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे तो ये डिज़ाइन इसमें मैच कर रहा है। कि हर अलग अलग डिज़ाइन के क्या होते हैं, रीडर्स होते हैं। उस रीडर पे आप MMC उसके साइज़ के MMC को लगा देंगे। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे रखेंगे, रखने के बाद जब आप ऐसे इसको ऐसे आगे पीछे करेंगे तो इसके जो नीचे पिंस होती है, खांचा होता है, उसमें ऑटोमेटिक ये IC फंस जाती है, क्योंकि नीचे एक जगह होती है ना, फंस जाती है। उसके बाद फंसने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे रीडर में लगा देना है। रीडर में लगाने के बाद अब आपको देखना है, आपको अपने सिस्टम में इसको कनेक्ट करना है। ये U5 बॉक्स होता है, इस U5 बॉक्स में आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। देखिए मैं कैसे सॉफ्टवेयर से ओपन करेंगे, किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये हमारी केबल आती है, ये प्रिंटर केबल होती है, U5 केबल भी कहते हैं इसको। हम ऐसे केबल को ऐसे लगा देंगे। केबल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, MMC टूल को ओपन करेंगे। ये हमारा MMC टूल है, इस टूल को आप क्या करेंगे, MMC टूल को ओपन करेंगे। ये हमारा MMC टूल जो रहता है, इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये हमारा U5 का इंटरफेस है, MMC को रिपेयर करने वाला इंटरफेस है, UFS को रिपेयर करने वाला इंटरफेस अलग होता है। इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद ये अपने अपडेट करने को बोला है, तो हमने क्लोज कर दिया इसको। डायरेक्ट MMC पे क्लिक करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें इसकी पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगी। ये फ़ोन हमारा पटका हुआ था, अगर इसकी IC सही होगी, ओके होगी, रन होगी, तो सारा सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। ये देखिए, ये Redmi 7A का मोबाइल फ़ोन है। अगर हम देखेंगे इस IC के इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा IC का इन्फॉर्मेशन खुल करके आ गया है। ठीक है, IC का इन्फॉर्मेशन खुल के आ गया है। ये देखो बता रहा है कि यूजर एरिया बूट इनेबल है, और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, लिख के आ रहा ना, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सिस्टम इन्फॉर्मेशन, प्लेटफॉर्म MSM8937 CPU लगा हुआ है, और 7A का सॉफ्टवेयर है, रेडमी 7A मोबाइल फ़ोन है। इसके अंदर सारा ये सॉफ्टवेयर का पूरा डिटेल बता रहा है कि इसके अंदर पाइन वर्जन है। ये सारा पूरा डिटेल आपको पूरा बता रहा है कि Xiaomi कंपनी का MMC है। ये भी बता रहा है कि ये 16 GB का MMC है। कितना GB का है, 2 GB 221 पिन है, हाइनेस कंपनी का MMC है। ये सारे डिटेल इसमें लिखे आ गया। अगर आपको क्या करना है, इसका डाटा रिकवर करना है, तो डाटा रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे तो ये इसके पार्टीशन दिखते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर जो सारा सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर का पूरा इन्फॉर्मेशन ये दिखता है। अगर आपको इसका डाटा निकालना है, तो डाटा निकालने के लिए आपको यूजर एरिया पार्ट में जाना पड़ेगा। यूजर एरिया पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूजर एरिया पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम में जाएंगे। किस में जाएंगे, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम। क्या कह रहा है, फेल्ड ओपन एग्जिट फाइल सिस्टम अनसपोर्टेड फीचर, मतलब इस फीचर को क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है।
ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस MCIC के अंदर किसी ने पैटर्न लगा रखा है, अपना पासवर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पासवर्ड लगा हुआ है। तो इस पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसको अनलॉक करेंगे। क्या करेंगे? अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने का तरीका क्या होता है, जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, मैं आपको इसमें अनलॉकिंग का प्रोसेस भी समझा देता हूँ कि जैसे MMCS के अंदर मान लिया कोई पासवर्ड लगा है तो हमने IC को उतार के बॉक्स में लगा लिया, सारा सॉफ्टवेयर हमारा खुल जाएगा। सारा सॉफ्टवेयर खुलने के बाद इसके अंदर यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। यूजर एरिया पार्ट में ऑप्शन आता है स्पेशल टास्क का। स्पेशल टास्क में क्या करेंगे, ओपो मास्टर क्लियर करेंगे, वाइप डाटा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो भी मोबाइल फ़ोन हैं सारे मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल जाएगा, मास्टर क्लियर डन। अगर इसके अंदर FRP लगी होती है तो स्पेशल टास्क में जाएंगे, क्लियर FRP लॉक को कर देंगे, तो क्या करेंगे इसका FRP टूट जाएगा। ठीक है, FRP भी लगा था वो भी डन हो गया, टूट गया। दूसरी बात क्या है, फिर अगर इसके अंदर MI अकाउंट लगा है तो MI अकाउंट को रीसेट कर देंगे तो MI अकाउंट भी टूट जाएगा, डन। देखो है ना, तीनों लॉक टूट गए, FRP भी टूट गया, MI अकाउंट भी टूट गया और पासवर्ड भी टूट गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई MMC करेंगे। ये थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा ताकि सभी लोगों को प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे। ये देखो सारा लॉक खुल गया। देखो पहले डबल इनक्रिप्टेड था, अब सिंगल रह गया है। अब इसको भी हटाना है, इनक्रिप्टेड दिख रहा है, अगर आप इसको भी हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पेशल टास्क में जाना पड़ेगा। स्पेशल टास्क में जाएंगे, जब तक आप इनक्रिप्टेड को अनक्रिप्टेड नहीं कर पाएंगे तब तक डाटा नहीं खोल सकते। लेकिन अनक्रिप्टेड करने पर फैक्ट्री रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते समय हमारा मोबाइल फ़ोन का डाटा जा भी सकता है। अगर ऐसी कंडीशन में डाटा जाता है तो हम लोग पहले डाटा का बैकअप ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डाटा का बैकअप ले लेते हैं। डाटा का बैकअप इसलिए लेते हैं ताकि डाटा चला जाए तो उसको हम दोबारा से फिर ला सकें, फिर से उस पोजीशन में कर सकें। स्पेशल टास्क में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो हम लोग कल टॉपिक में मैं आपको सिखा रहा था UEFI के बारे में कि हम UEFI की इन्फॉर्मेशन को कैसे लेते हैं। तो UEFI की इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा यहाँ पर डिटेल आ जाता है। इस डिटेल में ये बूट इनेबल होना चाहिए, इसका MMC साइज दिखाना चाहिए, ये इसका ना जो ये जितना लास्ट में आता है ये सॉफ्टवेयर का डिटेल आता है। अगर बहुत मोबाइल फ़ोन में खाली यहीं तक दिखाता है, पूरा नहीं दिखाता, तो इसका मतलब होता है उसके अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। अगर उसका सॉफ्टवेयर करेक्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, या तो लोगों पे खड़ा हो जाएगा या तो सेट डेड हो जाएगा, सेट डेड की समस्या आएगी। स्पेशल टास्क में जाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है, फैक्ट्री रीसेट करेंगे। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद वेट करेंगे, वो आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट मोड में जा रहा है, MMC को फैक्ट्री रीसेट कर रहा है। सर फैक्ट्री रीसेट में डाटा हटता नहीं है? फैक्ट्री रीसेट में डाटा हट जाता है, लेकिन कुछ मोबाइल फ़ोन में बच भी जाता है। मतलब जो फ़ोन का डाटा होता है वो चला भी जाता है और स्टोरेज का जो डाटा होता है वो बच भी जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं फैक्ट्री रीसेट करें, लेकिन जब तक आप फैक्ट्री रीसेट नहीं करेंगे तो आपकी MMC में देखेंगे तो इनक्रिप्टेड मोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इनक्रिप्टेड मोड लगा हुआ है। इनक्रिप्टेड मोड का मतलब क्या है? कस्टमर ने पासवर्ड लगा रखा है। पासवर्ड लगाने का मतलब होता है MMC IC के अंदर ऐसा सेट हो जाता है कि वो अपना डाटा को सेव करने के लिए वो उसको डाटा खोलने नहीं देती। तो हमको क्या करना होता है, पहले इनक्रिप्टेड को अनक्रिप्टेड में कन्वर्ट करना होता है। इनक्रिप्टेड को अनक्रिप्टेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे ओके करना होता है। स्पेशल टास्क में जाकर फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो आपके फ़ोन में आपका फैक्ट्री रीसेट होने से आपका अनक्रिप्टेड हो जाएगा। अगर उसमें बस भी सकता है, नहीं भी बस
फेल्ड हो रहा है। अब इसमें फैक्ट्री रीसेट नहीं हो रहा है, अगर फैक्ट्री रीसेट जब तक नहीं होगा, फैक्ट्री रीसेट फेल्ड हो रहा है, जब तक इसमें फैक्ट्री रीसेट नहीं होगा तब तक ये इसके अंदर इनक्रिप्टेड मोड नहीं हटेगा। ये देखो इनक्रिप्टेड मोड लिख रहा है, जब तक इनक्रिप्टेड मोड नहीं हटेगा तब तक हम लोग इसका डाटा रीड नहीं कर सकते। इसको डाटा रीड करने के लिए, जैसे ही आप इसका डाटा रीड करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको यूजर एरिया डाटा का फोल्डर ओपन करना होता है। ये फोल्डर होता है यूजर डाटा का, इसमें जा कर के राइट क्लिक करके एक्सप्लोर फाइल सिस्टम करना होता है। फिर ये अभी तो खुल नहीं रहा है क्योंकि इनक्रिप्टेड है, अगर इनक्रिप्टेड ना होता तो पूरा सॉफ्टवेयर खुल जाता। मतलब जैसे नहीं खुल जाता कि हम लोग माई फाइल्स को खोल लेते हैं, माई फाइल्स में कैमरा खुल जाएगा, DCM, इस तरीके से व्हाट्सअप गैलरी सब चीज़ें पूरा खुल जाता है। बिल्कुल करके जो भी डाटा चाहिए वो अपने डाटा को ले सकते हो, रिसीव कर सकते हो। अब इस इनक्रिप्टेड को करने के लिए इस फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी लगी है कि मतलब हम ये फैक्ट्री रीसेट भी नहीं कर पा रहा है। मास्टर क्लियर कर लिया, एक बार दोबारा करके देखते हैं ज़रा। अब जैसे हमको कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन का अगर हम जो IC लगी है उस IC का अगर सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना चाहते हैं, मतलब पूरा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना चाहते हैं और उस सॉफ्टवेयर का बैकअप को हम किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्लैश करना चाहते हैं, तो हम इसके द्वारा बैकअप ले सकते हैं। कैसे बैकअप ले सकते हैं कि आपको यहाँ पर पार्टीशन में जा करके टिक करना पड़ेगा, जितने भी सारे आल होंगे सारे टिक हो जाएंगे। ठीक होने के बाद फिर आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। अब ये फाइल की रीडिंग चालू हो गई है। अब जितने भी मोबाइल फ़ोन आता है, मोबाइल फ़ोन का पूरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, बैकअप के रूप में कॉपी हो जाएगा। ये बैकअप लेने के बाद इस बैकअप को हम लोग रख लेते हैं, फिर कभी भी कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन आएगा या इसी में MMC को दोबारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, खाली करने के बाद फ्लैश कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फाइल को एडिट कर लिया, उसके बाद फिर हमको क्या करना है कि डिटेल आ गई, पूरी डिटेल आ गई, सॉफ्टवेयर क्लोज किया। क्लोज करने के बाद ये आपका MMC IC है, इस MMC IC को अगर आप दोबारा लगाना चाहो तो बोर्ड में लगा सकते हो। तो जैसा कि आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर ऐसा डैमेज टूटा फूटा मोबाइल फ़ोन आता है, देखिए मोबाइल फ़ोन का हालत कैसा है, बिल्कुल टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन है। इस तरीके से कोई भी टूटा फूटा मोबाइल फ़ोन आता है तो टूटे फूटे मोबाइल फ़ोन को हम किस तरीके से IC को हम लोग डाटा को रिकवर कर सकते हैं, ये सारा आज मैंने आपको वीडियो में आपको बताया किस तरीके से डाटा रिकवरी होती है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई चीज़ जानकारी चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ हिंट चाहिए तो आप हमें नीचे नंबर पर चैनल पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आज
आज की वीडियो में मैंने आपको आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एमएमसी पर सही तरीके से हम लोग निकालते हैं, क्या है जिस तरीके से हम लोग एमएमसी आईसीयू को प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व करते हैं, क्या तरीका ऐसा होता है कि जिससे एमएमसी आईसीयू को रिवॉल्व करने के बाद फिर हम यूएफआई के द्वारा उसको रीड करते हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, डिटेल लेते हैं, या उसका कैसे उसको अनलॉकिंग करते हैं, जैसे कोई भी आईसीयू उसके अंदर लॉक लगाए या कोई भी मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर लॉक लगाए, तो सारा डिटेल कैसे लेते हैं आज मैंने आपको बताया। तो एक ये बहुत आसान वीडियो को मैंने आपको समझाया हुआ है, वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया आप ज़रूर आंसर करें। और अगर आप पूरे मोबाइल फ़ोन से पहले की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ईटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर सागर मार्केट कानपुर में पड़ता है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से ट्रेनिंग आपको मिलता है। थैंक यू दोस्तों।